कैन यू गेट ECA फ्रॉम वेस्ट, और ECA हासिल करने के लिए वेस्ट वन ऑफ द टॉप ऑप्शन है बिकॉज इसका टर्न अराउंड टाइम सबसे कम है. एज यू नो कि ICAS में कुछ यूनिवर्सिटीज रहती हैं जिसको वो रिकगनाइज नहीं करते और देर इज अनसर्टेनिटी के हम आपको इक्विटेंसी मिलेगी या नहीं. तो इस वाले से वेस्ट बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि गुड चांसेस के आपको ECA मिल जाएगी और कम से कम वक्त में मिलेगी. ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है और हम इसको एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं. अभी हम नेक्स्ट चलेंगे स्क्रीन की तरफ, स्क्रीन जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरीके से हम सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद हमें अपना पूरा प्रोसेस देखेंगे. ठीक है, अरे सबसे पहले आप ये सर्च करेंगे कि वेस्ट का लॉगिन और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे. इधर आपने कनाडा को क्लिक करना है और देन आपने ये स्टार्ट एप्लीकेशन जो मिड वाला ECA एप्लीकेशन फॉर ICRCC. नेक्स्ट आप इधर ईमेल पुटेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो मैं इधर से नहीं करूँगा. मैं अब लॉगिन की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूँ. ये ईमेल आप पुट करेंगे, देन देयर इज पासवर्ड. और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने पहले सबसे पहले आपने अपनी डिग्रीज वेरीफाई करवानी है HEC से, उनको सील एनवलप में लेना है क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं सील एनवलप में. अच्छा, ऐसे कि मैं एप्लीकेशन क्रिएट कर चुका हूँ, इधर एप्लीकेशन क्रिएट करने का ऑप्शन आता है. तो क्योंकि मैं पहले एक बार ड्राफ्ट बना चुका हूँ तो मैं आपको यहीं से कैरी करता हूँ. तो कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे वंस यू मेक अ ड्राफ्ट, और आप अपना नाम इसमें पुट करें सबसे पहले, और डेट ऑफ बर्थ विच एवर इज करेक्ट, आप सारी डिटेल्स बेसिक डिटेल्स हैं जो कि उसके बाद आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स डालनी है. जो डिग्रीज सिर्फ वो डिग्रीज डालेंगे जो आप जिसकी इक्विलेंसी चाहते हैं. मैंने इधर दो अपनी डिग्रीज ऐड की हैं, आप भी कर सकते हैं ऐड इधर से. सबसे पहले आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, फिर यूनिवर्सिटी या वट एवर योर लेटेस्ट डिग्रीज, और देन आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और डिप्लोमा विच एवर इज़ कंसर्न टू यू. फिर मैं ऑलरेडी दो डिग्रीज पुट कर चुका हूँ इसमें, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं. इसमें नेम है, देन सेम नेम वो होगा जो आपने आपके क्रेडेंशियल्स पे होगा, मोस्ट प्रोबेबली सेम नेम होगा, बट इन केस देयर इज़ अ डिफरेंस तो आप उसमें वो लिख सकते हैं और उसका आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा. ये ईयर अवार्डेड जिस मतलब सन में आपको मिला है, लेट्स से कि अब 2017 में कंप्लीट हुई है और उसी का आपने लिखना है. इधर भी सेम 2017 आएगा. आप सेव करेंगे और जो भी आप, मैं ऑलरेडी दो ऐड कर चुका हूँ टाइम बचाने के लिए. और देन नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं जी एड्रेस की तरफ. एड्रेस में आप वो एड्रेस होगा जिसमें आपको आपकी ECA आपके एड्रेस पे मिलने वाली है. तो मेक श्योर कि आपका एड्रेस कंप्लीट हो और उसमें वो सब डिटेल्स हों जो कि आप तक आपका पार्सल इजीली मिल जाए. ये इन केस आप चाहते हैं कि कुछ किसी इंस्टीट्यूट को आपकी ECA जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसको आपने नो ही करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. ये हैं सारी चीज़ें जो जो आपने पुट करनी है. ये मैंने तो बड़ा लिमिटेड सा डाला है, लेकिन आप अपनी सारी डिटेल्स इसमें पुट कर सकते हैं. और नेक्स्ट ये प्रोसेसिंग टाइम बता रहे हैं कि 35 बिजनेस वर्किंग डेज हैं जो कि इनका प्रोसेसिंग टाइम है. और आपका पर्पस ऑब्वियसली इमिग्रेशन का है. ये सब चीज़ें $240 इनकी कैनेडियन डॉलर्स इनकी फी है. एंड देन ये है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट. अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स चेक लिस्ट सिंपल, इसमें दो चीज़ें ये पहले इनकी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अगर आपने डॉक्टरेट है तो आप अपनी टॉप की जो मतलब लास्ट डिग्री है वो इनके साथ शेयर करें. लाइक आपने PhD की है तो PhD दें, आपको अपना मास्टर्स और बाकी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने मास्टर्स की है तो आप अपना सिर्फ मास्टर्स दें, आपको बैचलर्स देने की ज़रूरत नहीं है. बट मैं आपको प्रेफर ये करूँगा आप दोनों डिग्रीज दें क्योंकि वेस्ट बड़ा स्ट्रिक्ट है इक्विलेंसी देने के मामले में. पाकिस्तान की बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटीज हैं जिनको वेस्ट इक्विलेंसी दे देता है एज़ पर पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स. अदरवाइज देर आर प्रीटी मच चांसेस के अगर आपने मास्टर किया तो वैसा आपको बैचलर्स की इक्विलेंसी दे. तो वैसा का एक ये ड्रॉबैक है, इसको आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा. और हाँ, ये देखें तो आपने ओरिजिनल सेंड नहीं करनी, आपने सिर्फ कॉपीज़ जो कि सीड एनवेलप में लेंगे उनको आपने शेयर करना है. शिपिंग चार्जेस को जो रिसीट होगी वो भी आप साथ में दे देंगे. अच्छा, दोनों जो भी दो मैंने क्रेडेंशियल है तो दोनों की ये सेम डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट की टेस्टेड कॉपीज सीड एनवेलप में
आपने वो शेयर करनी है उनके साथ। ये एड्रेस है जहाँ जो आप कोरियर में इसको इनपुट करेंगे, और इसमें मोस्ट प्रोबेबली आप ये वाला यूज़ करेंगे, कोरियर वाला, और इसके थ्रू आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको फिजिबल लगे, TCS से करना चाह रहे हैं, FedEx से करना चाह रहे हैं, जो भी होगा, ये आप अपनी एक बार इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर लें, सारी एजुकेशन क्रेडेंशियल की वेरीफिकेशन, सारी जो जो आपने पुट की है, मेक श्योर के सारी डिटेल्स करेक्ट हो। और ये देखिएगा, ये अगेन $240 आपको इधर रिमाइंड करवा रहा है, और ये रेसिपिएंट इंफॉर्मेशन। अच्छा, डिलीवरी मेथड के भी, डिलीवरी के $85 हैं, जो कि फॉर ये जो कि आपको वेस्ट भेजेगा उसके चार्जेस हैं, टोटल तकरीबन $325। ये इन सब बॉक्सेस को आपने टिक करना है, देन गोइंग नेक्स्ट, इसको कंफर्म करेंगे, ठीक है। ये नहीं होगी कि आप पहले कुछ डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी चेंज गलत चीज़ से पुट कर दें और बाद में चेंज करवाना चाहें, तो ये इसमें ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि किस पेमेंट के थ्रू, मोस्ट प्रोबेबली आप कार्ड के ज़रिए करेंगे, और ये टोटल $325 है। ये हैं देखिएगा क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, या वेस्टर्न यूनियन ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र, या जो आपको फिजिबल लगे। चेक तो बिल्कुल भी मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप चेक के ज़रिए करें, पेमेंट करें, क्रेडिट कार्ड बेस्ट ऑप्शन होगा मोस्ट प्रोबेबली। सबमिट करेंगे तो एक सामने एक नया कैटलॉग खुल जाएगा जिसमें पेमेंट की डिटेल्स आपने देंगे अपने कार्ड की, और देन आप सबमिट करेंगे तो आपको आपका रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। जब रेफरेंस नंबर मिलेगा फिर वो आपने नोट करना है, क्योंकि उस रेफरेंस नंबर के थ्रू ही आपने आगे प्रोसेस चलना है, जो कि आप जब सीड एनवलप में आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, वो सीड एनवलप भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से होगा, फिर उसको आपने कैसे आगे फॉरवर्ड करना है। उसमें आपने मेक श्योर करना है कि सारी डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट की कॉपीज़ हों, इस तरीके से। अब मैं आपको सीड एनवलप का बताता हूँ नेक्स्ट। जो आप HEC से डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाएंगे वो इस तरीके से आपको सील्ड एनवेलप में मिलेंगे, और सील्ड एनवेलप में आपने किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं उसके लिए वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो भी उसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ नीचे आपके साथ। और ये बिल्कुल इस तरीके से आपके पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे, और इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने रेफरेंस नंबर अपना लिख लेना है, प्लस जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा उसको भी प्रिंट लेकर, फिर जो भी आपकी कोरियर कंपनी है उसके थ्रू आप इसको डिस्पैच कर देंगे। और ये तकरीबन ऑलमोस्ट 35 डेज का इसका टर्न अराउंड टाइम है, और विद इन 35 वर्किंग बिजनेस डेज आपको आपकी ECA मिल जाएगी। आई होप आपको इस वीडियो में अच्छी समझ आई होगी, और इसके अलावा आप कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं।